आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग पेज मेकर के अंदर कंट्रोल पैलेट से कैसे इमेज को कैसे रोटेट करते हैं, यानी कैसे घुमाते हैं किसी भी इमेज को। तो यहाँ आप देखिए पेज मेकर 7.0 मेरा खुला हुआ है। ये DTP का बेहतरीन एक सॉफ्टवेयर है, एडोबी पेज मेकर। अब यहाँ पे कंट्रोल पैलेट होता क्या है पहले वो मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे अगर विंडो में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे देखिए सो कंट्रोल पैलेट है। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक पट्टी जैसा यहाँ पे आ जाता है। अभी देखिए इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ एक्स एंड वाई दिखाई दे रहा है। इसका रीज़न क्या है, वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा अभी कुछ भी, क्योंकि जब भी आप कुछ भी आप यहाँ से हम लोग कुछ भी लेते हैं तब उसके बाद ये सब बाकी इसके ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं। अब रहा सवाल कि ये जो आपका जो कंट्रोल पैलेट है इसके माध्यम से मुझे इमेज को रोटेट करना है, तो ये जो कंट्रोल पैलेट है सबसे पहले तो आप इसको कहीं पे भी मूव करके रख सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, जितना आपको ज़्यादा अच्छा लगे जिस जगह आप इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख सकते हैं। अगर ये क्लोज़ हो जाता है, जैसे यहाँ पे क्लोज़ बटन दिया, इसको बंद कर देंगे तो क्लोज़ हो गया। फिर से लाने के लिए विंडो में जाके यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं सो कंट्रोल पैलेट, ये कंट्रोल पैलेट आ गया। अब रहा सवाल इमेज को रोटेट करना है कंट्रोल पैलेट के माध्यम से, तो पहले तो एक इमेज लेकर आते हैं। तो यहाँ फाइल में जाते हैं, जाने के बाद यहाँ प्लेस का ऑप्शन दिया हुआ, शॉर्टकट भी है Ctrl+D, तो इस पर क्लिक करने से क्या होगा देख सकते हैं, इस तरह से प्लेस का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब यहाँ से करना क्या है कि इमेज लेकर आते हैं हम लोग, कोई सभी तस्वीर आप लेकर आ सकते हैं, उसे घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पे यहाँ पे देखिए बहुत सारे फ़ोटो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब जैसे यहाँ से मैं फ़ोटो लूँगा, जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, यहाँ से मैं एक फ़ोटो लेता हूँ, अच्छा सा फ़ोटो, जैसे ये एक फ़ोटो है इस पर, या ये फ़ोटो ले सकते हैं। तो ये फ़ोटो पर मैंने क्लिक किया, फिर ओपन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यस पे क्लिक कर दिया मैंने, अब इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे अपने पेज पे। ये देख सकते हैं अभी फ़ोटो आ चुका है। बहुत बार ऐसा भी होता होगा, देखिए जो फ़ोटो लेकर आते हैं वो हल्का सा ब्लर दिखता होगा, वो क्वालिटी नज़र नहीं आता होगा। तो अगर ऐसा होता है तो चलिए वो भी मैं आपको पहले दिखा देना चाहूँगा। तो फाइल में जाइए, यहाँ प्रेफरेंसेस है, अब यहाँ पर जनरल पे क्लिक कीजिए, प्रेफरेंसेस का इस तरह से एक पैलेट खुलता है। अब यहाँ से आपको करना क्या, हाई रेजोल्यूशन रखना है, ये रेडियो बटन को ऑन कर दीजिए, उसके बाद मोड में क्लिक कीजिए। करने के बाद मोर प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको ग्राफिक्स का जो सेक्शन है या रिजोल्यूशन में 100 कर दीजिएगा, ओके पे क्लिक कीजिएगा, फिर ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। तो फोटो का देखिएगा कुछ क्वालिटी पहले से बेहतर हो जाएगा। अब रहा सवाल कंट्रोल पैलेट से हमें इमेज को रोटेट करना है, तो ये जिस इमेज को आपको रोटेट करना है, जैसे मैं बाहर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कंट्रोल पैलेट पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब जैसे ही मैं इमेज पर क्लिक करूँगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन सब एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ इस कॉर्नर में ध्यान से देखिएगा इमेज को रोटेट करने के लिए, यहाँ से देखिए रोटेशन का एक छोटा सा आइकन आपको दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे देखिए 0 डिग्री दिखाई दे रहा है। अगर मान लेते हैं इसे मुझे 90 डिग्री में रोटेट करना है, तो यहाँ पे 90 लिखना है, 9 टाइप करना है और इंटर प्रेस कर देना। ये देखिए मेरा जो फ़ोटो है 90 डिग्री में ये रोटेट हो चुका है। अगेन इसको पहले की अवस्था में लाना है, घूम गया है तो इसको सिलेक्ट करेंगे इस बॉक्स को और यहाँ पर 0 टाइप करेंगे और इंटर दबाएंगे, तो देखिए पहले की अवस्था में ये फ़ोटो मेरा सीधा हो जाएगा, जैसे स्टार्टिंग में था वैसा फ़ोटो आपको बिना रोटेशन का आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से मैं इसमें एक और भी ऑप्शन है, ये प्रॉक्सी पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल पैलेट के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे मान लेते हैं इस फ़ोटो को मुझे 45 डिग्री में घुमाना है, तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ 45 डिग्री और इंटर कर देता हूँ। तो देखिए ये जो है ये 45 डिग्री में घूम गया। अब फिर से इसको मैं 0 करूँगा, यहाँ पर 0 कर दिया, अब ओके क्लिक कर देते हैं, हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन, यहाँ पे ये बॉक्स बॉक्स डॉट डॉट आपको प्रॉक्सी पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मान लेते हैं फ़ोटो को मुझे सेंटर से घुमाना है, तो ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट है छोटे छोटे, देखिए स्क्वायर बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो जिस पॉइंट से आपको घुमाना है, मान लेते हैं इस फ़ोटो को मुझे यहाँ से इस पॉइंट से 45 डिग्री से घुमाना है, तो यहाँ पर इस कॉर्नर पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए कॉर्नर एक्टिवेट हो गया इस जगह कॉर्नर में। अब मैं लिखता हूँ यहाँ से 45 डिग्री, देखिए 45 डिग्री यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए 45 डिग्री यहाँ से घूम गया। फिर से वापस आना है, फिर से यहाँ से मैं 0 लिखता हूँ, यहाँ पे 0 किया, 0 डिग्री में देखिए आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं इस पोर्शन से तो घूम गया, अब थोड़ा सा नीचे से यहाँ से घुमाना है, मतलब इस जगह से, तो ठीक प्रॉक्सी पॉइंट पर आप क्लिक कीजिए। ये देखिए प्रॉक्सी पॉइंट पर मैंने क्लिक किया, अब यहाँ से मैं 45 डिग्री घुमाऊँगा तो 45 डिग्री यहाँ पर क्लिक करूँगा, देखिए इस पॉइंट से 45 डिग्री घूम चुका है। फिर से अगर मैं 0 करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे 0 पे क्लिक करूँगा, इंटर करूँगा, तो ये 0 पॉइंट में देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ चुका है पहले की अवस्था में।
तो ये जो प्रॉक्सी पॉइंट है यहाँ पे, ये सब निर्धारित करता है कि किस पॉइंट से आपको घुमाना है, किस पॉइंट से आपको रोटेट करना है। अब जैसे यहाँ पे मिडिल पॉइंट से घुमाना है तो मिडिल पॉइंट पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो रोटेशन है अब यहाँ पे मैं अगर मैं लिखता हूँ 45, देखिए 45 इंटर करेंगे तो 45 डिग्री यहाँ से मिडिल पोर्शन को घूम गया। तो ये प्रॉक्सी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे मैं ज़ीरो कर देता हूँ कि हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई चीज़ रोटेट कर रहे हैं तो आपका पॉइंट कहाँ है, प्रॉक्सी पॉइंट किस जगह पे है। तो हमेशा जो भी हम लोग घुमाना चाहते हैं, मिडिल पोर्शन से घुमा सकते हैं, इस कॉर्नर से घुमा सकते हैं, यहाँ से घुमा सकते हैं, या ये पॉइंट सब दिया हुआ है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट से मुझे घुमाना है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया, देखिए इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ क्लिक कीजिएगा, देखिए छोटा सा आपको दिखाई देगा। अब यहाँ से मुझे 45 डिग्री घुमाना है, तो 45 डिग्री यहाँ पे इंटर करेंगे तो देखिए इसी पॉइंट से वो 45 डिग्री घूमता है। अब फिर से पहले की अवस्था में आना है, ज़ीरो कर देते हैं, ज़ीरो आ गए हम लोग। अब यहाँ पे प्रॉक्सी पॉइंट को मैं ज़ीरो में लेकर आया है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम इसको कर देते हैं 30 डिग्री या 20 डिग्री, तो 20 डिग्री, क्योंकि मिडिल पॉइंट से देखिए 20 डिग्री में घुमाएंगे, इंटर कर देंगे, 20 डिग्री में घूम गया। फिर से इसको ज़ीरो कर देता हूँ, ज़ीरो घूम गया। अगर मैं इसको -20 डिग्री करता हूँ तब क्या होगा, माइनस में घूमेगा, -20 डिग्री, तो उल्टा तरफ 20 डिग्री घूम जाएगा। ये देखिए पहले इधर घुमा था, अब इधर घूम चुका है। तो इस तरह से हम लोग ये कंट्रोल पैलेट को यूज़ करके हम लोग इस इमेज को रोटेट कर सकते हैं कंट्रोल पैलेट के माध्यम से। तो आई होप मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉक्सी पॉइंट, यहाँ ये पॉइंट आप फिक्स करके आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं इमेज को। और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।